Imagina isso. नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अजय एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं CSE SPB के बारे में। तो CSE SPB में कोई भी कैंसिलेशन, IRCTC का कैंसिलेशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कैसे उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों, इस IRCTC कैंसिलेशन प्रोसेस को जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। तो टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो इसके लिए जो है, आप अगर BLE को कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कोई सेंड करनी है तो वो CSE और डायरेक्ट जो है IRCTC को भी भेज सकता है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, सबसे पहले तो CSE के लिए दो मेल IDs हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम शो हो रही हैं, devyeshkumar@csc.gov.in और sandeepatri@csc.gov.in। इन दोनों मेल पे आप अगर कैंसिलेशन की कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कैंसिलेशन से, तो आप इन दोनों एड्रेस पे CSE SPB के द्वारा वो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सकती है। और जो दूसरा जो इसका टॉपिक है, जो दूसरा, आप डायरेक्ट जो है IRCTC को भी मेल कर सकते हैं। तो etickets@irctc.co.in पे आप जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जिस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका एजेंट आईडी बना हुआ है, उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप कुछ टाइम पहले जो है मेल कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए। और क्या क्या BLE को रिमेम्बर करना है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो वो ईमेल सिर्फ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही भेजनी है। और सेकंड जो है, BLE को अपनी CSE आईडी और जो है IRCTC का एजेंट कोड दोनों मेल में मेंशन करने हैं, यानी दोनों उस मेल फॉर्मेट में लिखने हैं। नीचे आप लिख सकते हो, जब सारा टॉपिक हो जाए उसके नीचे आप CSE आईडी और अपना IRCTC एजेंट कोड दोनों लिख दें। उसके बाद जो है BLE को ये भी मेंशन करना जरूरी है कि वो PNR की डिटेल्स और डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ की टिकट उसने करी है, किस डेस्टिनेशन से किस डेस्टिनेशन की, वो भी और PNR डिटेल्स भी आपको मेंशन करनी है उस मेल में। ये मेल आप दोनों को कर रहे हैं, चाहे ई टिकट्स IRCTC को कर रहे हो या CSE SPB के जो मैंने दो कॉन्टैक्ट, दो मेल IDs बताए उन पे कर रहे हो, ये बातों का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट जो है इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, तो उस पर्सन की डिटेल्स भी मेंशन करनी है जिसको टिकट को कैंसिल करवाना है, उसका नाम, एज और सेक्स, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको उस ईमेल आईडी में डालनी है। ये चार चीज़ें मैंने बताई, एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से मेल करनी है, CSE आईडी और IRCTC एजेंट कोड भी उस मेल में लिखना है, और PNR डिटेल्स और डेस्टिनेशन, कहाँ से कहाँ की ट्रैवल कर रहा है वो चीज़ भी आपको उसमें मेंशन करनी है। और लास्ट जो उस पर्सन की डिटेल्स है, नेम, एज, सेक्स, ये तीनों चीज़ें आपको जो दोनों ईमेल आईडीज़ हैं CSE SPB की और etickets@irctc की जो मेल आईडी है, उन पे आप जो है कैंसिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप इनको मेल कर सकते हैं CSE SPB को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अन्य कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।